हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं इस हथेली में हमें क्या नया देखने को मिलता है, कौन कौन सी ऐसी मार्किंग्स हैं और लाइंस का एनालिसिस करेंगे। और एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स से, फिर माउंट्स देखेंगे कैसे हैं इस हथेली में। तो चलिए मैं साथ ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। जैसे कि फिंगर्स की लेंथ यहाँ दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है, काफ़ी फिंगर्स। जस्ट एक मर्करी फिंगर की लेंथ छोटी छोटी है, अदरवाइज बाकी की फिंगर्स काफ़ी अच्छी हैं। और अगर लंबाई देखी जाए तो सन फिंगर यानी कि अपोलो फिंगर की लंबाई ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बृहस्पति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सीधी फिंगर्स हैं, कोई टिल्टेशन नहीं है फिंगर्स में, तो काफ़ी स्टेमिना रहेगा इनके अंदर, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी इनकी। और साथ ही साथ यह जो अपोलो फिंगर इतनी लंबी है, ये बता रही है कि कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके अंदर अच्छी खासी होनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के बारे में बता रही है फिंगर्स। यहाँ पर कुछ लाइंस हैं सीधी आपको दिखाई दे रही हैं, और थोड़ी सी एक टेढ़ी लाइनें हैं जो थोड़ा सा अग्रेसिवनेस शो करती हैं, लेकिन ज़्यादा सीधी लाइनें हैं जो इनकी नेचर को काफ़ी अच्छा बताती हैं, फ्रेंडली नेचर बता रही हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ेंगे माउंट्स की तरफ, माउंट्स को देखते हैं और उसके बाद स्पेशल साइंस देखेंगे हाथ में इनके क्या क्या दिखाई देता है हमें। सबसे पहले तो फिंगर प्लेसमेंट देखी जाए कि फिंगर की प्लेसमेंट कैसी है इनके हाथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से जो फिंगर्स प्लेसमेंट शुरू हो रही है कुछ इस तरह से चलती हुई, और जो डाउन प्लेसमेंट में है वह बृहस्पति की थोड़ी सी डाउन में है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। माउंट काफ़ी बृहस्पति का जो अच्छा है, और मर्करी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और अदरवाइज कोई बैड मार्किंग दोनों माउंट्स पे नहीं है। तो इनको मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कि बुरे हैं ये दोनों माउंट्स, बहुत अच्छे हैं इनके हाथ में। डाउन सेट होने से, मर्करी के डाउन सेट होने से, या जो मर्करी माउंट है या डाउन सेट होने से थोड़ी सी शाइनेस रहती है पर्सनैलिटी में, अदरवाइज इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। कैलकुलेटिव काफ़ी रहेंगे, ये काफ़ी अच्छा माउंट है। और बाकी की फिंगर्स अपोलो और सैटर्न अच्छी सेट हैं, और माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छा मिला हुआ है हाथ में। तो अब थोड़ा सा क्लोजअप लेकर स्पेशल मार्किंग्स देखते हैं इनके हाथ में हमें कौन सी दिखाई देती हैं। थोड़ा सा और क्लोजअप लेकर यहाँ से हमें क्लियर इनकी लाइंस दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोग्रेस लाइन चल कर आ रही है लाइफ लाइन से, आपको यहाँ से क्लियरली दिखाई देगा, एक लाइफ लाइन से चलती हुई प्रोग्रेस लाइन चल कर आ रही है यहाँ तक, और एक लाइन उसको काटती हुई जा रही है जो बना रही है एक तरह से क्रॉस का चिन्ह। प्रॉपर एक्स बार तो नहीं बन रहा, लेकिन बृहस्पति पर क्रॉस होना काफ़ी शुभ माना जाता है, और इनके यह क्रॉस का चिन्ह बन रहा है प्रोग्रेस लाइन के साथ ही बन रहा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फल देने वाला है इनको। इससे काफ़ी अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ होती है व्यक्ति की, और पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, और साथ ही साथ भाग्यशाली भी होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके बृहस्पति माउंट के ऊपर ऐसा क्रॉस का चिन्ह बनता हो। और ये प्रोग्रेस लाइन जो शो हो रही है यहाँ पर आपको, यह ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है खूब तरक्की करवाती है, और व्यक्ति लगभग सारी उम्र कोई ना कोई काम करता रहता है, कुछ ना कुछ नया, और डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर, और कुछ ना कुछ नया करने की तमन्ना रहती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति कभी भी निष्क्रिय नहीं होता और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हुए हमेशा प्रोग्रेस करता रहता है। उसके बाद इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाला ये मिस्टिक क्रॉस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लगभग सैटर्न माउंट और अपोलो माउंट के सेंटर में नीचे दिखाई दे रहा है आपको। यह मिस्टिक क्रॉस जो होता है अकल्ट साइंस में व्यक्ति का रुझान के बारे में बताता है, काफ़ी रुझान रहेगा इनका अकल्ट साइंस में, यानी मिस्टीरियस चीज़ों में इनका काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ की तरफ इनका काफ़ी झुकाव रहेगा। और इनको यह अगर चाहें तो ऐसी कोई विद्या सीख भी सकते हैं फ्यूचर में, अगर इनको कुछ ऐसा आभास होता है, कुछ ऐसा सीखने का मन करता है इनका, तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है इस मामले में, क्योंकि यह एक जिसको हम दिव्य क्रॉस कह सकते हैं, दिव्य है और हर किसी के हाथ में ऐसा क्रॉस नहीं होता, तो काफ़ी शुभ मानते हैं इसको हम पामिस्ट्री में। इसके बाद बाकी के माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स इनके क्या बता रहे हैं। सैटर्न माउंट और जो अपोलो माउंट है, सैटर्न के ऊपर अच्छी सैटर्न लाइन नीचे से चलती हुई आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं सैटर्न की जो लाइन है नीचे से चलती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही है, थोड़ा इसको और ऊपर कर रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ दो तीन लाइंस इनके हाथ में और बन रही हैं सैटर्न के ऊपर ही। और यह जो लाइंस होती हैं, यह फोकस ऑफ अगर एक लाइन हो तो बहुत शुभ मानी जाती है। वैसे यहाँ दो या तीन खड़ी लाइनें होना भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि यह बताती हैं
कि ऐसा व्यक्ति आगे चलकर लाइफ में दो या तीन ही काम इकट्ठे करेगा। तीन लाइंस शो हो रही हैं तो तीन जॉब लाइंस इनको मानेंगे। तीन तरह के अलग अलग प्रोफेशन एक साथ करने की काबिलियत होती है ऐसे व्यक्ति में, और काफ़ी सक्सेसफुल भी होता है पैसा कमाने में। तो यह अमाउंट भी अच्छा है, इसमें कोई ज़्यादा मुझे ऐसी रुकावट वाली चीज़ नहीं दिखाई दी। तो आगे सन माउंट के ऊपर एक हल्की लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर एक हल्की लाइन है, और यहाँ नीचे से भी सन की तरफ एक लाइन आ रही है। जो बीच में जो गैप है इतना सा, यह अभी कंप्लीट नहीं है। अगर यह भी कंप्लीट हो जाता है तो बहुत ही शुभ हो जाएगा, जिसको जैसे सन के जो उपाय होते हैं उनको करने से यह लाइन बनने लगती है। तो बताना चाहूँगा कि सन की तरफ से जो प्रसिद्धि है इनको लेटर एज में मिलेगी, यहाँ पर जो अभी लाइन बता रही है, लेकिन अगर ये एफर्ट्स करेंगे तो ये लाइन पूरी हो सकती है। और लाइन पूरी होने पर यह कुछ इस तरह से बन जाती है, अगर यहाँ से ये पूरी होकर ऐसे जुड़ जाती है तो ये बहुत ही शुभ हो जाती है। तो अभी थोड़ा सा इसमें अधूरी है लाइन, तो अगर अच्छे कर्मों से इसको पूरा किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मरकरी को देखें तो मरकरी काफ़ी अच्छा है, मरकरी यानी बैलून की तरह फूला हुआ है, काफ़ी पफ्ड एरिया है, तो बहुत ही अच्छा है। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, और कोई भी बिजनेस ये करेंगे तो उसमें इनको खूब तरक्की मिलेगी। अगर क्योंकि मरकरी जो है हमारी कैलकुलेशंस और बिजनेस एकुमन के बारे में शो करता है, तो बिजनेस में ये जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। यहाँ माउंट्स के बाद हम बात करेंगे लाइंस की। यहाँ पर इनकी जो मैरिज की लाइन है क्लियर दिखाई दे रही है, कोई इसमें फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा। 25+ में इनकी मैरिज होने के चांसेस ये बता रही है। और इसके अलावा जो इनकी लाइन चल रही है हृदय रेखा जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की लास्ट में हल्की सी थोड़ी सी परेशानी शो हो रही है, यहाँ पर थोड़ी सी लाइन कट कर चल रही है, लेकिन अदरवाइज बिगनिंग से देखें तो काफ़ी अच्छी लाइन है, और लगभग बृहस्पति से चलती हुई आ रही है, और काफ़ी टिल्टेड है ऊपर की तरफ। इट मीन्स के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकती है इनकी पर्सनैलिटी इसके कारण, यानी बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकली नहीं सोचते, इमोशन किसी भी रिश्ते में पड़ते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। कुछ इस तरह का प्रभाव ऐसे ऊपर से चलने वाली लाइन है जो शो करती है। और साथ ही साथ पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ हल्का सा बन रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कोई ज़्यादा प्रभाव इसका नहीं रहेगा लाइफ पे, लेकिन हाँ इमोशनलनेस को थोड़ा सा बढ़ा देता है, तो पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हार्ट की लाइन का पैटर्न है, जो कर्व है वो काफ़ी अच्छा है, और लगभग यहाँ पर जो एज शो हो रही है, जहाँ से थोड़ी सी इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वह शो हो रही है लगभग 60 के आसपास। 60+ की एज में जाकर इनको थोड़ी सी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि लाइन जो है वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करिए, फ्लो जो है लाइन का वो कम हो रहा है यहाँ पे। इसके आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं लाइफ लाइन को, और साथ ही साथ जो बाकी की लाइंस हैं इनकी, जैसे लाइफ की लाइन है और माइंड की लाइन है, उनको भी देखते हैं कैसा इनका क्या क्या हमें इसमें नया देखने को मिलता है इनके हाथ में। यहाँ से माइंड की लाइन को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रेट और डीप है। तो यहाँ से इनकी माइंड की लाइन चल रही है जो थोड़ी सी लाइफ लाइन से हटके चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ लगभग काफ़ी लंबी लाइन है। काफ़ी अच्छा जो इनका इस लाइन का प्रभाव इनके लाइफ में रहेगा, कह सकता हूँ कि काफ़ी शार्प माइंड रहेगा इनका। और इसके साथ ही ये जितना पढ़ना चाहते हैं, यानी एकेडमिक कुछ भी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो इनके लिए ये ईजी रहेगा कि लाइन जो है काफ़ी अच्छे फ्लो में है, लेकिन वही 60 के आसपास की एज में जाकर यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें मुझे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 के आसपास की एज में जाकर थोड़ी सी लाइन जो है यहाँ से बाद थोड़ी सी लाइट हो रही है। इतना एरिया अगर आप लाइन का देखोगे तो कुछ 60+ की एज में जाकर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। सारा कुछ हम कंफर्म करेंगे बाकी लाइंस के साथ भी, और आगे बढ़ते हैं। मुझे एक स्टार जैसी फॉर्मेशन दिखाई दे रही है यहाँ पर राहु एरिया के ऊपर, यह जो कुछ फॉर्मेशन है लगभग स्टार जैसी बनती है कुछ इस तरह की। तो स्टार होना राहु क्षेत्र के ऊपर बताता है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में जब भी राहु का ट्रांजिट आता है लाइफ में, तो उस वक्त पर अचानक से ऐसा मिलने के चांसेस होते हैं, कहीं से अचानक धन लाभ होता है, तो कुछ इस तरह का जो रुझान बनता है लाइफ में। अगर
स्टार जैसी फॉर्मेशन हो रही हो, तो इनकी लाइफ में जब भी इनकी ट्रांजिट राहु की होगी, जब जिसको हम दशा बोलते हैं, राहु की दशा चलेगी, तब इनकी लाइफ में अचानक से पैसा आएगा। वैसे भी लाइन काफ़ी अच्छी है इनकी, कुछ थोड़े से सहारे लेकर आगे चल रही है। लगभग 30 की एज के बाद काफ़ी अच्छी फेट लाइन है जो इनको काफ़ी पैसा देने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनकी लाइफ लाइन हमें क्या बता रही है, लाइफ लाइन पर हमें क्या चीज़ें शो हो रही हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको इजीली देख सकें। यहाँ से हम देखेंगे लाइफ लाइन का पैटर्न और बाकी के कुछ पैटर्न हमें क्या दिखाई दे रहे हैं। अंगूठे पे हमें एक यव का चिन्ह दिखाई दे रहा है इनके, जो काफ़ी शुभ माना जाता है। लगभग यहाँ पर जो अभी मैंने सर्कल किया है, एक यव का चिन्ह बन रहा है यहाँ पर, हम देख सकते हैं। इसको बुद्धाशाई भी कहा जाता है पामिस्ट्री में, हिंदू पामिस्ट्री में इसको बुद्धाशाई भी कहा जाता है। काफ़ी शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को धन दौलत की किसी तरह की कमी नहीं होती लाइफ में, काफ़ी अच्छी लाइफ ऐसा व्यक्ति जीता है। तो अब लाइफ लाइन के पैटर्न पर आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि लाइफ का जो पैटर्न है यहाँ से लेकर लगभग यहाँ तक काफ़ी स्मूथ चल रहा है, काफ़ी गहरा है और फ्लो ऑफ एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से पीछे का जो एरिया है जहाँ पर मैंने अभी टिक किया है, कुछ लाइट रहा और आगे चलकर डाइवर्ट हो रही है लाइन या टू पार्ट्स में, तो क्लियरली विजिबल है इनका यह एरिया। यानी कि 25 की एज से लेकर लगभग 60 की एज तक जो एरिया है इनकी लाइफ का, वो लाइफ काफ़ी अच्छी है, बिना प्रॉब्लम्स के है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक दो जगह मुझे दिखाई दे रही हैं, यहाँ से जो एक मंगल की वीनस की लाइन जा रही है और यहाँ एक ये लाइन जो काट रही है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं है क्योंकि लाइफ का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा है और स्मूथ चल रही है। लेकिन इससे पहले की लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रही होगी इनकी, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ लाइफ लाइन थोड़ी सी कम डीप है, लेकिन फ्लॉस ज़्यादा नहीं है वहाँ पर भी। और 60 के बाद क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, एक फिश टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं एक बार दोबारा सारा कुछ क्लियर करके दोबारा से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस तरह से, जिसको हम केतु के ऊपर बनने वाली मच्छ रेखा भी कह देते हैं या फिश टाइप स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बड़ी इजीली फॉरेन में सेटल हो सकते हैं और परमानेंट इमिग्रेशन ले सकते हैं, किसी भी विदेश में जाकर, किसी भी कंट्री में जाकर इजीली सेटल हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ चांसेस इनकी लाइफ में बनेंगे और अगर ये कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ, जो भी प्रेडिक्शंस मैं देता हूँ, यह तभी संभव होंगी जब आप उस एरिया पे काम करोगे। अगर मैं किसी को बताऊं कि उनकी लॉटरी लगने के चांसेस है, तो लॉटरी तभी लगेगी जब वो लॉटरी खरीदेंगे, अदरवाइज प्रेडिक्शंस रह जाती हैं। क्योंकि पुरुषार्थ होना सबसे जरूरी होता है, भाग्य का जो रोल होता है वो 25% होता है और पुरुषार्थ का जो रोल होता है वो 75% होता है। तो अगर आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ तो इस दिशा में काम कर कर आप उस चीज़ को पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरफ कोशिश ही नहीं करोगे तो यह फल आपको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आपके चांसेस बहुत ब्राइट हैं इस तरफ जाने के। उसके बाद कुछ वरी लाइंस मुझे वीनस पे दिखाई दे रही हैं, जिनको मैं रेड कलर से आपको बना के दिखाता हूँ। यह जो कुछ लाइन्स हैं, यह वरी लाइन्स हैं जो आपको लाइफ में कहीं कहीं पर जाकर, जिसको हम कह सकते हैं बिना किसी वजह के जो हमें टेंशन्स होती हैं, वैसी टेंशन्स दे सकती हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिनके यहाँ पर वरी लाइन्स ज़्यादा हों, चिंतित रहता है अपनी हेल्थ को लेकर, और कई बार वो चिंता का कारण ही उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी बन जाती हैं। यानी कि अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो, लेकिन अपनी बॉडी को लेकर चिंतित रहना, वरीड रहना और उस वरीज के कारण आगे प्रॉब्लम्स हो जाना, यह कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है। लेकिन यहाँ बताना चाहूँगा कि यह वरीज जो होती हैं बेबुनियाद होती हैं। अगर इनको कुछ ऐसी चिंता कभी होती है फ्यूचर में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन का पैटर्न बहुत अच्छा है और दोनों ही लाइन से हमें 60 के बाद कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। तो बाकी की जो काटने वाली लाइन्स है कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग एजेस में। यह कुछ तीन लाइंस थी जो काट रही थी लाइफ लाइन को, लेकिन यहाँ से लाइफ का फ्लो अच्छा हुआ उसके बाद। या कुछ प्रॉब्लम्स आई
और उसके बाद लाइफ का फ्लो अच्छा हो गया, यानी कि लाइफ लाइन और डीप हो गई। यानी इनकी लाइफ में अगर मैं लगभग कैलकुलेट करूं तो यहाँ पर 28 की एज में कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद लाइफ अच्छी हो रही है। और उसके बाद 31 की एज में कुछ चांसेस हैं कुछ प्रॉब्लम होने के, छोटी मोटी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर शो हो रही। यानी अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है इनको लगभग 31 की एज में। और उसके बाद जो एज दिखाई दे रही है मुझे, वह उसमें ज़्यादा लाइन काट कर नहीं जा रही लेकिन टच हो रही है। तो यह कुछ कोई जैसे हम कह सकते हैं कि कोई बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ इनको परेशान कर सकती है 38 की एज में चलकर। अदरवाइज लाइफ का फ्लो जो काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है जो इनको घर से दूर कर सकती है, किसी जॉब के लिए या किसी भी तरह के ऐसे काम के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन यह लाइन ज़्यादा डार्क है, इट मीन्स कि यह रहेंगे अपने घर में ही, अटैच्ड रहेंगे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन अगर ये कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो लाइन बहुत डीप जा रही है अलग से, यह इनको फॉरेन में सेटल करवा सकती है। और उसके बाद जो कुछ मुझे ऑफ शूट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अगर थोड़ा सा इसको और क्लोजअप लेकर देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को, तो और ज़्यादा क्लियर हो सकता है उससे। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कुछ ऑफ शूट्स जो ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, जो प्रोग्रेस बताते हैं लाइफ में किन किन एजेस में प्रोग्रेस होगी, हम कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं यहाँ पर या बड़ी प्रमोशन मिल सकती है। यह कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ लाइंस हैं जो इनके हाथ में, प्रोग्रेस लाइंस जिसको हम कहते हैं। एक प्रोग्रेस लाइन तो सबसे पहले हमने बताई थी, और कुछ प्रोग्रेस लाइंस ये हैं, यह बता रही हैं कि लगभग इनकी एजेस यहाँ पर जाकर इनको जॉब मिलने के चांसेस या बिजनेस के चांसेस बनते हैं, जो कि 24-25 के आसपास की एज में इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके बाद यह जो एज बन रही है ये लगभग 30 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और यहाँ 40 के आसपास ये कोई बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, क्योंकि यह जो ऑफ शूट है ये सैटर्न की तरफ चल रहा है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़, कोई गाड़ी या कोई घर। और यह फिर से एक ऑफ शूट है जो लगभग 43 की एज का बनता है। तो ये सारे ऑफ शूट इनको प्रोग्रेस दिलवाएंगे लाइफ में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनकी फेट लाइन को भी चेक करते हैं, फेट लाइन की क्या बताती है हमें। फेट लाइन का पैटर्न जो है थोड़ा सा आप देख सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें, कि इनके लाइफ में स्ट्रगल रहेगी इसके कारण। यहाँ से देख रहे हैं काफ़ी डीप फिट लाइन चल रही थी, लेकिन यहाँ से चलते चलते एनर्जी जो है वो बाईफोर्क हो रही है, एक लाइन आकर काटते हुए निकल रही है। ऐसी जो लाइंस होती हैं यह हमारी एक तरह से कोई लव अफेयर की लाइन भी हो सकती है, इन्फ्लुएंस की लाइन होती है जो हमें प्रभावित करता है, लेकिन वो चीज़ हमें मिल नहीं पाती। तो अगर कोई लव अफेयर होगा तो उसमें नाकामयाब होने के चांसेस बनते हैं। और उसके बाद का लाइन का जो गैप है यह अपसेट होना बता रहा है कुछ देर के लिए। यह जो लाइन काटने के बाद थोड़ा सा अपसेट हो सकता है माइंड, लेकिन उसके बाद एक फ्लो अलग से बन रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद का जो फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं कि लगभग प्रॉपर सैटर्न तक पहुँच रही है ये लाइन। एक गैप के बाद यहाँ पर आकर इनकी लाइफ में लगभग जो एज बन रही है 26 के आसपास, 24 से लेकर 26-27 की एज तक कुछ गैप है। उसके बाद एक साइड बाय साइड और लाइन स्पोर्ट करती हुई चल रही है जो काफ़ी ऊपर तक जाएगी, यानी कि यह शो करती है कि इसके बाद इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई इमोशनल सेटबैक नहीं है। यहाँ पर एक इमोशनल सेटबैक मुझे दिखाई दे रहा है, पैसे की इनके पास कमी नहीं रहेगी क्योंकि सैटर्न की लाइन काफ़ी अच्छी है, जॉब लाइन जिसको हम कहते हैं, और लाइफ कंफर्टेबल जाएगी। और कोई मेजर प्रॉब्लम इसके अलावा मुझे इनकी लाइफ में नहीं दिखाई दी। जो मेजर प्रॉब्लम्स में थी वो बता चुका हूँ कि थोड़ी सी हार्ट से रिलेटेड अपने ये केयरफुल रहेंगे तो यह प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। और हार्ट के साथ साथ वही इफेक्ट माइंड के ऊपर भी पड़ रहा है जो इनको लेटर एज में जाकर हो सकता है। अदरवाइज पैसे की प्रॉब्लम नहीं है और कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है इनके हाथ में। तो यह सारे एनालिसिस थे इनके हाथ के बारे में, मेरी तरफ से। फॉरेन में सेटल हो सकते हैं, यव का चिन्ह है हाथ में तो काफ़ी लकी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे, क्रॉस का चिन्ह बन रहा है हाथ पे, अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ रहेगी इनकी, और ज़िंदगी जो होगी काफ़ी स्मूथली चलेगी कोई बिना किसी मेजर स्ट्रोक के। तो ये मेरे एनालिसिस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।